आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीते रोज ओवैसी जौनपुर पहुंचे। जौनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधने के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी के वादों पर चुटकी भी ली। जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ओवैसी ने सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाया और कहा, देश में धर्म के आधार पर सीएए लाया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन कर तीनों कृषि कानून वापस कराए, उसी तरह मुसलमान भी सड़कों पर उतरकर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करें। किसी भी हाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने दिया जाएगा। ओवैसी ने अपने इस जनसभा से बीजेपी के साथ एसपी पर भी जुबानी हमला किया और कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती है ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है, वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। पहले ये लोग तय कर लें कि ओवैसी किसकी बी टीम है। दरअसल ओवैसी एक लैला की तरह है और सारी की सारी पार्टियां इस लैला की मजनू है। जब तक लैला का नाम नहीं ले लेते, इनको रात में नींद नहीं आती। ओवैसी के इस जनसभा में बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटे अली भी पहुंचे थे, जहां मंच से ही शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को जेल से रिहा करवाने की अपील की।